हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसपी विराज। आज हम गत वर्ष में राठौर वंश के जो क्वेश्चन आए उसका आज विश्लेषण करेंगे, जिससे आपको सेकंड ग्रेड एंड जेल पेरी आंगनवाड़ी के लिए आपको मदद मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, महाराजा जसवंत सिंह के राज्य रोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया? 4000 जाट तथा 4000 सवार। आप सभी दोस्तों देख लेना, ये साइड में जो क्वेश्चन दे रखा है कॉलेज व्यक्ति में आ चुका है, ये BSET महिला पर्यवेक्षण और पटवार में आ चुका है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोधपुर और जैसलमेर के शासक के मध्य परगना पोखरण के अधिकार को लेकर जो विवाद था उसका निपटारा किस शासक के काल में किया गया? वो था शाहजहाँ। सुमेल का युद्ध लड़ा गया 1544 में, वो शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में लड़ा गया था, और इसी युद्ध में कहा गया था कि शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की भाषा खो देता। ये हर बार पूछा जाता है दोस्तों, ये किसने कहा, ये पंक्ति किसने कही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मारवाड़ के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? ये थी मोटा राजा उदय सिंह ने। और इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, 1583 में अकबर द्वारा उदय सिंह को मारवाड़ के राज्य का अधिकार दिया था। मोटा राजा उदय सिंह का मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार और वैवाहिक संबंध जो था वो स्थापित किए। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, मुगल समाज से जो उसका मुगल साम्राज्य था उससे सबसे पहले किसने वैवाहिक संबंध किए? वो था कछवा वंश, ठीक है दोस्तों। धर्मद का युद्ध किन दो शासकों के बीच में लड़ा गया है? दोस्तों ये लड़ा था जसवंत सिंह और औरंगजेब के बीच में 1658 में मुगल शासक शाहजहाँ के पुत्र के बीच उत्तराधिकारी जो युद्ध हुआ था उसके लिए, जिसमें दारा सिखों और औरंगजेब के मध्य हुआ था। धर्मद और उज्जैन यानी मध्य प्रदेश में आता है युद्ध हुआ था, जिसमें जसवंत सिंह और अन्य राजपूतों शाही सेनाओं की ओर से दारा सिखों का साथ दिया था, जिसने शाही सेना की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, दुर्गादास राठौर ने औरंगजेब को किसको बचाया था? कहने का मतलब है, दुर्गादास राठौर ने औरंगजेब से किसको बचाया था? वो था महाराजा अजीत सिंह। इसमें पंक्ति भी है, उसकी वीरता का गुणगान में मारवाड़ में उत्पर एक जो प्रचलित है, जो पंक्ति प्रचलित है वो है, मयाड़ एड़ा पूद जन जैसा दुर्गादास। जेम्स टॉड ने उसे राठौर का यूलिसेस कहा है। किसको? जसवंत सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, राठौर शासक के जो 52 युद्ध के नायक और 58 परगणों के रूप में प्रतिष्ठा माना गया है वो है राव मालदेव। मालदेव के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, और मालदेव ने 1533 में नागौर के दौलत खां को हीराबाड़ी के युद्ध में पराजित कर नागौर में, और 1538 में डूंगर जी को पराजित किया सिवाना पर, 1539 में सिकंदर खां को पराजित कर जालौर पर अधिकार किया, फिर 1538 में वीरम देव को पराजित कर मेड़ता पर, जो मेड़ता था नागौर में, फिर अजमेर पर अधिकार कर मालदेव ने जैसलमेर शासक लूण करण सिंह की पुत्री जो थी वो थी उमा दे से विवाह कर लिया था, जो कि मारवाड़ के इतिहास में रूठी रानी के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों इसमें जो मालदेव के जो युद्ध का कालक्रम था उसको भी आप लिख लेना, 1533 1538 1539 और 38 वाला, ये सब एक डायरी में सारणी के हिसाब से पढ़कर याद कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी में नागौर यात्रा के पश्चात जोधपुर दुर्ग, जो जोधपुर का दुर्ग था वो किसको सौंप दिया था, किसको दे दिया था? मोटा राजा उदय सिंह को दे दिया था दोस्तों। बीकानेर का किस शासक ने मुगल की जीवन पर्यंत सेवा की थी? वो था महाराजा राय सिंह। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? वो तो मोटा राजा उदय सिंह थी, और किसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी? वो है दोस्तों राव चंद्र सेन ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
बीकानेर की जो भी था, जो ये तो पर्यंत सेवा हो गया दोस्तों महाराजा राय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, शेरशाह ने किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया था? वो आक्रमण किया था मालदेव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के किस शासक ने सुमेल गिरी का युद्ध शेरशाह सूरी की सहायता से की थी? वो है राव कल्याणमल ने। राजा के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? वो राजा गंग सिंह थे, और इसी के नाम पर इसी को भागीरथ बोलते हैं, राजस्थान का भागीरथ, क्योंकि इसने गंग नहर जो उसकी स्थापना की थी, वो की थी कब? 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, मुगल विद्रोही कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप के पंत प्रदर्शन माना जाता है राव चंद्रशेखर को? दोस्तों इसमें से राठौर वंश ही आएगा, जिसमें जोधपुर और बीकानेर, जिससे आपके एक बार में पूरा राठौर वंश कंप्लीट हो जाए। जेता और कूपा किसके शासक के प्रतीक सेना नायक थे? ये थे मालदेव के। ख्यातों के अनुसार राय सिंह को राजपूताने का कर्ण की उपाधि किसने दी थी? कहने का मतलब राजपूताने का कर्ण जिसको बोलते हैं, मुंशी प्रेमचंद ने राय सिंह को दी थी। क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण किसको कहा? वो कहा था राय सिंह को। जहांगीर ने किस शासक को दलथक मंत की उपाधि दी थी? वो थी गज सिंह को। इसके बाद थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दोस्तों, जहांगीर ने गज सिंह को दल थमन फौज को रोकने वाला, जो फौज को रोकने वाला उसको बोलते हैं दल थमन, या आरएस मेंस में पूछा जा सकता है दल थमन छोटे वाक्यों में लघुतात्मक में, की उपाधि दी थी 1630 में। यह जहांगीर ने गज सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? रावचंद्र सेन ने की थी, और किसने कर दी थी? वो मोटा राजा उदय सिंह ने थी। मालदेव के पत्थर मारवाड़ का शासक बना था रावचंद्र सिंह 1562 में। रावचंद्र सेन था, उसकी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र चंद्र सिंह राजगद्दी पर बैठा। रावचंद्र सेन के अंतिम समय तक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। रूपाधाय का संबंध जोधपुर के किस राजा से है? वो था जसवंत सिंह से। अकबर द्वारा राजपूत राजा का ऐतिहासिक नागौर दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया है दोस्तों? वो किया था 1570 में। इसके बाद थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दोस्तों, अकबर के नागौर दरबार में राव हाय भाटी जैसलमेर का था, राव कल्याणमल बीकानेर, उदय सिंह मोटा राजा चंद्र सिंह का बड़ा भाई ने अकबर के दिन से स्वीकार की, किंतु राजा राव जो चंद्रसेन था दरबार में तो प्रस्तुत हुआ, बट उसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी दोस्तों। इस दरबार में मध्य के अकबर ने राजपूत राजाओं को मुगल विरोधी एवं मुगल सहयोगी के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है, मतलब दोनों था, सहयोग भी थे और विद्रोह भी थे। विद्रोह करने वाला एक ही था, वो है राव चंद्रसेन, जिसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के समय मारवाड़ का शासक कौन था? क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा सकता है, और ये जेल पेरी में भी आ रखा 2013 में, और इस बार भी जेल पेरी का क्वेश्चन मतलब एग्जाम चल रहे 27 को होगा नेक्स्ट, उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अजीत सिंह था। जोधपुर के राठौर नरसों में अकबर का प्रबल प्रतिरोधी वो था राव चंद्र सिंह था, इसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। बीकानेर का कौन सा राजा मतलब शासक था जिसने अकबर और जहांगीर के दोनों की सेवा की? वो थी राजा राय सिंह। राठौर वंश का प्रथम बड़ा शासक था वो राव चूड़ा था। राव चूड़ा ने मंडार को अपनी राजधानी बनाई राठौरों की। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था वो मारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक को जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया। धर्मत जो किस जिले में आता है? वो आता है दोस्तों मध्य प्रदेश एमपी में। जोधपुर के संस्थापक थे राव जोधा, जो कि 1459 ईस्वी में आपकी स्थापना हुई थी 13 मई को जोधपुर में। बीकानेर राज्य तथा मुगल के बीच में प्रथम संधि का हस्ताक्षर करने वाला शासक था वो कल्याणमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
राठौर शब्द का बना, राठौर शब्द से जो निम्न शब्द से बना है, जो दक्षिण की एक जाति थी। ये भी दोस्तों पुलिस में आ चुका 2007 में, वो है राष्ट्रकूट। निम्नलिखित में से बीकानेर के किस शासक को जहांगीर के पदस्थ किया था, वो था राजा सूर सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1572-73 में अकबर ने जोधपुर को किसको सुपुर्द किया, मतलब किसको दे दिया, वो बीकानेर के राय सिंह को। दोस्तों इसके बाद थोड़ा सा डीपली थोड़ा पढ़ लेते हैं। राव कल्याणमल के पुत्र जो राय सिंह का अकबर एवं जहांगीर का विश्वसनीय मतलब बहुत भरोसेमंद नायक सेनानायक था। उसने सेनानायक के रूप में गुजरात, काबुल, कांदार अभियानों में भाग लिया तथा महाराजा की पदवी वे राय की उपाधि धारण की थी। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताना का कर्ण के भी संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष किया था, वो समर्पण नहीं किया, वो तो एक ही था दोस्तों, मारवाड़ के राव चंद्र सेन। इसकी तरह वाक्य देखो तो दोस्तों, मालदेव का पुत्र एवं मारवाड़ का शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, स्वतंत्रता प्रेमी इस शासक को मारवाड़ के महाराणा प्रताप का अग्रगामी एवं भोले बसेरे का शासक के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों ये हो गए 32 क्वेश्चन, जिसमें अभी तक के राठौर वंश के जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं उसमें सबको कवर किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मेवाड़ राजवंश। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दिए, जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो करूँगा वो आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। दोस्तों इसमें कोई भी किसी प्रकार की गलती हुई तो उसके लिए क्षमा, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद।